मिशन एक्ट द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा एवं काम मांगो अभियान के तहत आज दिनांक 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को खड्डा तहसील के प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए चलाए गए अभियान का शुभारंभ किया गया। संचालन कर रहे समूह के मुखिया दल सिंघार ने बताया कि एक्शन एडेट के द्वारा 5 राज्यों के 67 जिले में एक साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें असंगठित मजदूर मोर्चा एवं बधुआ मुक्ति मोर्चा की अहम भागीदारी सम्मिलित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ई श्रम पोर्टल पर किए जाने वाले पंजीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी देना तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक बैठक, मजदूरों की चौपाल, जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं सहायता करने का उद्देश्य है। अभियान रैली में एक्शन एड तथा असंगठित मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष दल सिंहार के साथ रामकृष्ण गिरी, दुर्गा, सुनील, रामविलास, राजू, रामकल्प, दिनेश, अनीता, गीता, इंद्रजीत आदि महिला पुरुष उपस्थित रहे। अभी हम लोगों का एक जैसे सरकार भी अभी जाती है, देर से ही जाती है, जो जाती है सरकार की मंशा है कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, नाई है, धोबी है, लोहार है, मोची है, बढ़ई है, इस तरह तमाम जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर आ रहे हैं जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि उसका कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कल को कोई उसको और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सरकार द्वारा या जो भी उसको निश्चित नहीं होती। एक सरकारी कर्मचारी अगर 4th ग्रेड का भी होता है तो उसकी 30 साल की नौकरी पक्की हो जाती है ना, कि आए चाहे ना आए जो भी है, लेकिन उसकी 30 साल की जिंदगी सिक्योर हो गई। और हम और आप लोगों की जिंदगी सिक्योर नहीं। आज काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो रोटी बंद। तो इन्हीं सब योजना के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो शेष जमा हुआ था पूरी तरह से मजदूरों के हक के लिए अकेले यूपी में 5,000 करोड़ रुपया है। कितना है? 5,000 करोड़ है आप श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए। उनका लाभ नहीं मिल पाया, तो इन लाभ के लिए एक सरकार ने क्या किया है, इस बार कदम बढ़ाया है 10 कदम कि भाई उनका सभी का एक पंजीकृत हो। अगर पंजीकृत ही होगा तो कोरोना काल जैसी हाल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बस सरकार के पास डेटा नहीं था जिसकी वजह से 1,000 रुपया भी सबको नहीं मिल पाया और बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा उनको। तो इसीलिए एक संगठन असंगठित क्या बोलते हैं एक्शन एड जो है ना, पूरे 5 राज्यों में 67 जिलों में एक अभियान के रूप में कर रही है कि जो सरकार की स्कीम है, योजना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पंजीकृत हो। दो तरह की योजनाएं होती है, एक भवन संनिर्माण में जो पहले हो रहा था और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में वो सभी वर्ग आ रहे हैं, जो भी श्रमिक है जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिनका कोई सुरक्षा नहीं है, वो सभी वर्ग आ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि 100 सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं, ऐसे हैं जिनका वो श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि आप सभी लोग इससे आप मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जन सुविधा केंद्र से भी करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है फ्री में। आपसे कोई भी श्रमिक सुविधा केंद्र चाहे जन सूचना केंद्र जो है या जन सुविधा केंद्र है, वो आपसे एक पैसा की मांग नहीं कर सकता। उसकी डिमांडिंग फीस 20 रुपया है, वो भी सरकार वहन कर रही है। ये ध्यान दीजिए, अगर वो मांग करता है इन्हें हम पैसा दीजिए तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसका वीडियो बना लीजिए, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करा दीजिए, DM साहब क्या या श्रम विभाग अधिकारी क्या कहीं भी उसकी कंप्लेंट कर दीजिए, उसका स्वतः निरस्त हो जाएगा उसका लाइसेंस। तो ये जानकारी है, ये हमारा अभियान चलेगा 1 से 1.5 महीना लगातार पूरे गाँव में। तो हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि सभी लोग सहयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, विभिन्न वर्गों के क्षेत्रों का, कृषि कार्य में लगे हुए हमारे माताएं बहनें जो 80 रुपया 100 रुपये में काम करने को मजबूर होती हैं, तो अगर ये उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम अभी निवेदन करूंगा कि हमारे साथी हैं दुर्गा जी और गिरी जी और राजू जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि गिरी जी कुछ थोड़ा सा बताएंगे। 1 मिनट आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चल लीजिए इसमें। जैसा दल सिंह जी बता रहे ना, तो कहीं भी ये फ्री है, पूरा लेबर डिपार्टमेंट जो है वो फ्री कर दिया है, भारत सरकार ने फ्री कर दिया है। किसी भी व्यक्ति जो निर्माण कार्य से अलग है और उनका सामाजिक सुरक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है या उनका डाटा नहीं फीडिंग हो पाया है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसमें कहीं भी 1 रुपया शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने शुल्क फ्री किया है और सहज जनसेवा केंद्र का भी फ्री है। उसके बाद हमको कहीं नहीं पहुंचना है, बस सीधे सहज जनसेवा केंद्र जाना है, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक का पासबुक और फोटो, मोबाइल नंबर बस इतना देना है, इतना देंगे बस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप लाभार्थी हो जाएंगे, सरकार के देनदारी सरकार हो जाएगी, आपको देने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। आप सभी इसमें भागीदारी करिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा।